एकंकार सतगुरु प्रसाद इस संसार विच जगत विच दुनिया विच दो वस्तुआं है, एक परमेश्वर है एक माया है। परमेश्वर किनू कहिंदे ते माया किनू कहिंदे? परमेश्वर उहनूं कहिंदे है जिस वर्गा होर कोई ना होवे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे है जिहड़ा सारिआं दा आसरा होवे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे जिहड़ा सदा ही रहे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे जिहड़ा सारे परिपूर्ण होवे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे जिहड़ा रंग रूप ना होवे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे जिहड़ा सुख स्वरूप होवे, नित होवे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे जिहड़ा ज्ञान स्वरूप होवे, जड़ ना होवे, चेतन होवे। परमेश्वर उहनूं कहिंदे है जो ब्रह्म विष्णु शिव सब दा आत्मा है, सारी दुनिया दा आत्मा है। परमेश्वर उहनूं कहिंदे जिहड़ा नित होवे, जिहदे ज्ञान करके मुक्ति मिलदी है, जन्म मरन कट्टिया जांदा। परमेश्वर उहनूं कहिंदे है जिहड़ा निर्भउ होवे, निर्वैर होवे, अकाल होवे, गर्भ विच ना आवे, जिहड़ा सचेतनंद स्वरूप होवे, सुने प्रकाश होवे। ये सारियां परमेश्वर दीआं निशानियां है। माया किहनूं कहिंदे है? जिहड़ी कदे होवे कदे ना होवे, झूठी होवे, मिथ्या होवे, सत होवे, दुख रूप होवे, आत्मा नूं ढकण वाली होवे। ते ए मनुखा दे विच परमेश्वर दी प्राप्ति करनी है, माया दी निवृत्ति करनी है। माया संसार इको गल है, माया कह लो संसार कह लो इको गल है। संसार नूं संसार दी निवृत्ति करन वास्ते और परमेश्वर दी प्राप्ति करन वास्ते मनुखा दे मिली हैगी है। जिथे नेरा उथे लो नहीं हुंदी, जिथे लो उथे नेरा नहीं हुंदा हैगा। जिथे परमेश्वर उथे माया नहीं, जिथे माया उथे परमेश्वर नहीं हैगा। होमे नामे ब्रोध है, दोए न वसे किठाएं जो। ये मनुखा दे मिली है, पहले प्राप्त मनुख दे हुई है, गोविंद बिंदन के तिर बढ़िया। जिस वक्त को लैन तू आया, राम नाम संत नगर पाया। ये परमेश्वर की प्राप्ति संसार की मिलती मनुखा दे के हिंदी फिर होंगी नहीं हैगी है, फिर असी लक चुना च नहीं होंगी हैगी है, मनुखा दे के हिंदी हैगी। मनुखा दे इसनूं मिली है सिर्फ परमेश्वर की प्राप्ति करने वास्ते, संसार की निवृत्ति करने वास्ते मिली है। हरिद्वार है, उत्थे 12 साल मगरों कुंभ लगता है। तो कुल दुनिया के संत महात्मा आते हैं, हर वेले कथा वार्ता होंगी। 3 महीने कुंभ लगता, हर वेले कथा वार्ता होंगी है। उत्थे कई व्यापारी आते हैं, हट्टियां पाने वाले मेलिया से आते, दुकाना लै किराए से लै हट्टियां पाते हैं। हरिद्वार के बीच में कोई व्यापारी आया, उसने दुकान किराए से लैनी थी, कोई व्यापार करना से। उसने हरिद्वार की पंचायत पासों पूछा, फिर मैंने पता लगा थोड़े पास सांझी जगह हैगी है, वो मैंने 3 महीने वास्ते किराए से दे दो। पंचायत ने कहा जगह तो साढ़े पसंद ही हैगी है, तेन 3 महीने वास्ते देनी है, और भी कोई लै लो जो लै लो, किराए से देनी हैगी है।
पर कुंभ का मौका, संत महात्मा का मौका है। इतने नजायज ही नहीं देखे संत महात्मा ने बहुत ना आना, जिसे मुनि ने बहुत ना आना है। इतने धर्म का व्यापार करना, वो व्यापारी ने कहा मैं तुम सी जगह दे दो पंचायत ने कहा मैं धर्म का व्यापार करा। तीन महीने वास्ते दुकान देती है जी सारे की सी, तो व्यापारी ने किराया दे दिया तीन महीने का। हम तीन महीने वास्ते हड्डी लिख दी है, दे नहीं रहे। बहरा उसने किया मैं धर्म का व्यापार करांगा, पाप का व्यापार नहीं करांगा। लिख लिखा हो गया, जब कुंभ शुरू होया वो शराब म्यास लिया के रख दिता, बेसवा रख दी कि जुआ खेलन वाले हो गए इकट्ठे। पंचायत ने सोचा कि हड्डी का तू लई सी नेक व्यापार करने वास्ते धर्म का तू हो लापया कर, कहना मेरी हड्डी है हूँ मैं तो किराया दे चुका है हूँ जो मर्जी मैं करा। पंचायत से सियाने उन्हें कहा चलो सत गलती तो हो गई है, इन हड्डी देती हैगी है, हम कि कुंभ से बसात पाना लखन ने आना जाना है तिना महीने बाद कट देवे। तो उस व्यापारी ने शराब मास बेसवा जुआ भी रख दिते, कर्म कर तीन महीने बीत गए। तो उन्होंने कहा व्यापारियों ने भी हूँ तू निकल जा, तीन महीने वास्ते हड्डी कराई से चल देती फिर कहना मेरी ये कब्जा करके बह गया। पंचायत ने कहा नाले तू कब्जा करके बह गया, नाले तू बहरा किया सनेक व्यापार करने वास्ते, नाले उल्टा व्यापार करना बात क्या है। कहना जो मैं मर्जी करा कब्जा मेरी हड्डी है, मैं तो पहला मेरे पिता दी सी, तू तो पहला मेरे दादे दी, हुई मेरी हड्डी है, मैं जो मर्जी करा। पंचायत ने कहा तू हड्डी लई सी तो धर्म का कम करने वास्ते, नेक व्यापार करने वास्ते, नाले तो तू उल्टा व्यापार किया शराब मास बेसवा, नाले तो हूँ तू कब्जा करके बह गया निकलता नहीं। वो कहना है मेरी हड्डी। पंचायत ने केस किया जज के पास, जज ने उन्होंने सद्या व्यापारी ने, यह हड्डी तू कुंभ ते कराए दे ले। कहना नहीं मेरी हड्डी है, मेरे पिता की दादे की, मैं किराए से करूँगा इनको, मैं जो मर्जी थे बेचा। जज ने कहा तेरे पास कोई लिखित हैगी है भी तेरी हड्डी है? क्या लिखित कोई नहीं आई है, तेरा कोई गवाह हैगा हरिद्वार बच्चे जरा आके भी तेरी हड्डी है? क्या गवाह भी कोई नहीं, लिखित कोई नहीं, लिखित भी कोई नहीं। जज ने पंचायत ने पूछा भी थोड़े पर कोई लिखित है भी थोड़ी सही हड्डी? क्या लिखित जी तसीले लिखा हों, जिले से लिखा हों, जी कोई हड्डी घर पार हो आदि को लिखा। जज ने कहा पंचायत ने थोड़ा कोई गवाह जी? सारा शहर गवाह। जज कह लगा उस व्यापारी ना तेरे पास कोई लिखित है भी तेरी हड्डी है, ना तेरा कोई गवाह, पंचायत की लिखित भी है तो गवाह भी सारा शहर भुगते, तू झूठा है। जज ने कहा जेल कर नहीं पा रहे हो हमेशा वास्ते, जिन्ना चिर कब्जा नहीं छड़ता हूँ जेल कर नहीं पाता। यह तो है दृष्टांत, यह दृष्टांत की है ये साखी तो मतलब की निकलिया। ये जो जीव है इसने कोई पिछे चंगा कर्म किया? गुरु सेवा तक भगत कुमारी तावे मानस दे ही पाए, इस देह को सिंगरे देह सोते है देही पजा की से। ये जीव ने पंजा तत्तों पास ये मनुखा दे आ संसार है का मेला, लखन दुनिया आँदी लखन जाती है, कुंभ मांग मेला लगा है, कुंभ तो लखन दुनिया आँदी लखन जाती, संसार है का मेला लखन दुनिया आँदी लखन जाती है।
ये जीव ने पंजा तत्तां पासों ही देह रूपी हट्टी लई नाम का विपाक करने वास्ते भजन करने वास्ते ईश चिंतन करने वास्ते मैं चंगा कर्म करूँगा। पंजा तत्तां पासों ये संसार रूपी मेले मनुखा दे रूपी हट्टी लई जिनी उम्र है उन्ने महीने ला लो, किसी नूं 40 साल वास्ते मिली, किसी नूं 50 साल वास्ते मनुखा दे मिली, किसी नूं 20 साल वास्ते, किसी नूं 15 साल वास्ते, किसी नूं 80 साल वास्ते मिली है। इसने गुरु सेवा तो भगत कुमारी दावे मानस दे ही पाई कोई पूर्वले शुभ कर्म अनुसार पंजां तत्तां पासों इस संसार रूपी मेले च मनुखा दे हट्टी लई नाम दा विपाक करने वास्ते हम व्यापार करता उल्टा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या अकेली राग द्वेष झूठ तब पकड़ना फिर कब्जा करी बैठा है। दे मेरी पुत्र मेरे स्त्री मेरे मकान मेरे कई चीजा पर कब्जा करी बैठा है। तो यह मनुखा के लिए इसने कहे वास्ते है ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਲ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋਲ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੁਪਈ ਹੱਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਉਲਟੇ ਕਰਨ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਟਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਰੁਪਈ ਹੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਟੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੁਰਨ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਚਿੰਦ ਉਖਤ ਬੈਠੇ ਸੂਰਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ, ਧਨ ਮੇਰਾ, ਦੌਲਤ ਮੇਰਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਉਲਟੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਪਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਜ ਪਦਾਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਜੈਤਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਰੁਪਈ ਹੱਟੀ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਰੁਪਈ ਹੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ, ਨੱਕ ਮੇਰੇ, ਕਰਮਿੰਦਰੀ ਮੇਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਧਨ ਮੇਰਾ, ਦੌਲਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਰੁਪਈ ਹੱਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਾ ਗੁਆਹ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ ਗੁਆਹ ਕੌਣ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੈ ਵੀ ਦੇਹ? ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਦਾ ਚੋ ਜਾਣੋ ਚੱਕਰ ਸਜਾਨ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨ ਕਰ ਜੋ ਟਾਇਮ ਮਾਂ ਗੁਆ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਦਾ ਚੋ ਜਾਣੋ ਚੱਕਰ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਆ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗੁਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਸਿਮਰੋ ਗੁਰਨ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਚੰਦ
जिस वक्कर को लैन तुम आया राम नाम संत अगर पाया हुआ दशे गुरु गवाया चौबी अवतार गवाया दरबार साहब लिखता है जी धर्मराज ने इस जीव न आके तेरे पर कुछ लिखता है पर तेरा शरीर है तेरे पोतियाँ ईसरियाँ है लिखित कोई नहीं तेरा कोई गवाह गवाह कोई नहीं इन्होंने पंजा तत्ता के गवाह भी है लिखित भी है फिर तुम्हें भी कब्जा करके बह गया तू ये मनुखा तो रूपी हटी लही हैगी है पंजे तत्ता पासों नाम जपन वास्ते भजन तू उल्टे काम राग द्वेष क्रोध लोभ काम न दूसरे क्रोध न दूसरे लोभ न दूसरे देवा अभिनंदा मुक्त नहीं सुखी नहीं स्पल पाई साहब सेवा तू तो झूठा है धर्मराज ने कहना पे तां तो तेरे पर कुछ लिखता है पे शरीर तेरा परिवार तेरा मकान तेरा ना तेरा कोई गवाह गवाही तेरी कौन दे कोई भगतों बिचों कोई दसा गुरुआ बिचों कोई चौबी अवतारा बिचों तू झूठा हैगा इस करके धर्मराज ने कहना तू 84 लाख जूना हैगा रब का जेल करने से पा देना है सो जिस वास्ते मनुखा दे मिली है कोई काम करना चाहिए है मनुखा दे मिली नाम जपन वास्ते भजन करने वास्ते ईश्वर चिंतन करने वास्ते सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की त्रिचंद उठत बैठे सोगत नाम कहो नान जन का सदका तू माता के गर्भ विच भी बहरा करके आया हैगा मैं नाम जपांगा भजन करांगा किसी चीज़ पर कब्जा नहीं करांगा माता के गर्भ विच 2 महीने विच जिहड़ा शरीर हुंदा ये हुंदा हैगा डिड्डू वर्गा फिर 2 महीने शरीर हुंदा हैगा मछली वर्गा फिर 2 महीने शरीर होंगे है बंदर वर्गा फिर 7वें महीने मनुखा के मर जाती है अखों कन लग जाते हथ पैर लग जाते शरीर मुकम्मल बन जाता 7वें महीने फिर इतों कोई आदमी मरदा या कोई पशु मरदा उसका जीवात्मा निकलता माता के मूँह के रस्ते बच्चे के 10वें द्वार रस्ते अंदर लंघ जाता फिर माता के घर में जो सह लैन लग जाता किसी के घर में हो गए कुत्ती के हो गए कौल के हो गए मैं दे हो शरीर पहला बन जाता जीवात्मा मद मगधो अंदर प्रवेश करता पहला हक कान सारे लग जाते हथ पैर लग जाते मुकम्मल शरीर हो जाता फिर जो कोई मर के आता पशु या बंदा उसने उस जून भी जाना वो माता के मूँह के रास्ते दिमाग के रास्ते अंदर लंघ जाता अंदर बच्चा सह लैन लग जाता 7वें महीने पुट्ठा लटकिया होंगे सिर थले पैर उपर हाथ पैर हिला नहीं सकता चपेरे गंदा होंगे गंदा हों माता का जूठा उपर पैंता है फिर दुखी होंगे इन उस वे कि दुख होंगे इन उस वे इन्ना दुख होंगे किसी आदमी दखा बन लो हाथ भी बन लो पैर भी बन लो ओनू चबारे के शिखर लै जाओ थले हो खूब पुटिया वो पानी हो गंदा उपर मीह का पानी नहीं पैंता थले का ही पानी पैंता गंदा आता था गंदा बिच बिछू हो सप हो चूहे हो भूत प्रेत हो उस आदमी ने दसी है ना उन्हें धक्का बच दे दुख होता हाथ धक्का बनी हाथ पैर बनू गंदे खूह सकते खूह गंदे से पता सात पैर टूए हैं इन्ना दुख इन माता के गर्भ में इन्ना दुख होंगे इन्ना ही दुख इन्हें मरने वेले होंगे मरने वेले होंगे इन्ना ही दुख गर्भ इन्ना ही मरने वेले दुख होंगे पैर पीत हो जाता कंध वजदे है अंदर है लुकदा पहले पहले वालों प्राण टुकने शुरू होंगे फिर हथा लो उपरो फिर गूठे साल तू नहीं पा के जीव इकट्ठा हो जाए इन पता लग जाता मैं चले जाना मरना है औखा मरने में किसी का चित नहीं करता फिर उन्होंने मिन्नत करता दरबार साहब भी शब्द आता लेकिन अब कुछ भी खर्च तुम्हारा सारों सुबह नवाज सदाएं गुजारों मैं दो दिन हो रहे हैं मैं पैसे ले लो तंग ले लो दल ले लो
हम नहीं मान रहे कहीं जरूर फिर संगतियां बाजा मारदा इतने सानू सुनता नहीं आया माता नू कहने रख लो पिता नू कहने रख लो कौन रख लवे उन्होंने सुनता ही नहीं भी मिन्नत करता सुपना किसी नू आवे सुपने च बोलता चलता तो बाहर लोगों सुनता इधर मरण वेले अखा मारदा पिता जी रख लो माता जी रख भी सुनता बाहर दुखी होया फिर देह च लुकदा लुक जावा जमदूतां ते जिहड़े लैने आउंदे या कोई पेश नहीं जाने कोई पेश नहीं जाने ता फिर जीव आत्मा अंत वेले हक्का ते पाई जांदा है रोंदा रोंदा क्यों ना खटिया कुछ नहीं एक परमात्मा का नाम खटना सा बाकी किसी चीज का तो फायदा कोई नहीं आएगा एक नाम खटे फिर रोंदा ऐना जन्म वेले किन्ना दुख होंदा किसी ने वेले नहीं दे रही है गन्ने इन्ना दुख होंदा इधर ही माता के गर्भ विच बड़ा दुख होंदा माता के गर्भ विच बच्चा पुकार लगा लो हे महाराज मैंने इतों काट हे महाराज मैंने इतों काट हे महाराज हे कुंभी नलके नु कहंदे आ अठारह नलकां चो नलक है चौरासी नलके अठारह बड़े है ये भी कुंभी नलक है महाराज मैंने काट पुकार रहा है दुख विच रेग नु परमात्मा चेते आ जाना है फिर आवाज आउंदी है तैनू नहीं कटना है तू मैनू भुल जाना है मेरा हुक्म नहीं मानता जो दरबार साहब लिखा वेतां च लिखा है तू मेरी चीजा पर कब्जा करके बहना दुनिया मेरी तू कब्जा करके बह जाना पैदा मैं करदा पलना मैं करदा संघार मैं करदा तू कब्जा करके बह जाना आकी हो जाना है तो मेरा हुक्म मानता नहीं नाम जपता नहीं भजन करता नहीं ईश्वर चिंतन करता नहीं है ये फिर दुखी होया हूं मिन्नता करता महाराज हम मैं आपका हुक्म मनागा मैं थोड़े ना बहरा करता है नाम जपांगा भजन करांगा मुसाफर मंग रहा हूँ परदेसी मंग रहा हूँ सलाह मंग रहा हूँ किसी चीज के कब्जा नहीं करूँगा जिदा का जाऊँगा जिदा का आऊँगा उदा ले रहूँगा आया कोई चीज ना लें आने जाने कोई चीज ना लें उदा ले मैं रहूँगा किसी चीज के कब्जा नहीं करूँगा आपका हुक्म जरा दरबार साहब लिखे आया हुक्म जाई चढ़ा नानक जो मैं मनागा बहरा करके आना फिर महाराज इन्हू कहना उठे गर्भ विच अगे कई बार तू बहरा करके गया फिर मुकर जाना है तेन एक बार मैं कर मिली फिर तू बहरा पूरा नहीं करता फिर चौरासी भी चले जाना फिर गर्भ विच आना फिर बहरा करके जा एक बार तू बहरा किया तेरे से यकीन किया है फिर मिन्नत करता तबले करेगा महाराज हम एक बार मैं कदो इस गर्भ हम मैं थोड़े ने वैदा करदा नाम जपांगा भजन करांगा मुसाफरा मंग रहा हूँ परदेसिया मंग रहा हूँ सदा मंग रहा हूँ काम करो लोग मोहकार नहीं करांगा ईर्खा बखीरी नहीं करांगा बिंब खंड नहीं करांगा सबको परमात्मा ना समझांगा महाराज एक बार कदो फिर बच्चा जमदा भी नहीं दोनों मिठा मीठिया होनी इन्हों ने वैदा करके आना है या जन्मदा मैं भी बोल जाना है महाराज दस दे भी तू वैदा करके आया जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतर पाया फिर नहीं चेते आया तो माया इन्नी बलवान हो जाती है वैद बूद भुल जाता कब्जा किनिया चीजा दे करके बह जाता ये शरीर मेरा मन मेरा बुद्ध मेरी चित्त मेरा घर मेरा पुत्र मेरी स्त्री मेरी मकान मेरा शहर मेरा जिला मेरा तहसील मेरी मंजे मेरे बिस्तर कब्जा करके बह जाता है तो आना है मनुखा तो रुपी हट्टी मिल रही है जी नाम जपन वास्ते भजन कर करने वास्ते वैदा भी कर रहा व्यापार भी उल्टा कर रहा फिर कब्जा करके बह जाता है उस मंग वो व्यापारी ने हट्टी ली पंचायत पासों चंगा काम करने वास्ते काम भी उल्टा करता फिर कुंभ खत्म हो गया कर भी नहीं छड़ रहा है
मनुखा दे रूपी हट्टी लई अपने तत्ता पासों नाम जपने वास्ते भजन करने वास्ते नाम का उपवास करने वास्ते व्यापार भी उल्टा कर रहा है कर्ज भी नहीं छड़ता है कहना मेरा है जो मैं मर्जी करा आंखें भी नहीं किसे लगता एदा पंचायत दे आंखें नहीं लगा महाराज दे आंखें नहीं लगता बेदा ग्रंथ दे दरबार साहब दे बाणी दे आंखें नहीं लगता है कब्जा करी बैठा ते व्यापार भी उल्टा करता है फिर पंजा तत्ता ने धर्मराज पर दावा करना केस करना जिदा पंचायत ने जज पर केस किया उन्होंने व्यापारी ने बुलाया इदा ही पंजा तत्ता ने धर्मराज पर केस करना जी इसने मनुखा के रूप की हट्टी लिए नाम भजन करने वास्ते नाले बहरा कर गया माता के गर्भ तो सारे का मूल तो कर रहा है फिर तरुण राजा इसको बुलावेगा इन पूछूगा दस ही मनुखा दे तेरे अदे तेरे हाँ मेरे तेरे से तेरे हाँ जी मेरे घर तेरा हाँ जी तेरा किथे लिखा दरबार साहब लिखिया दस किथे लिखा भी तेरा ये तो लिखिया भी तेरा है ने एक कुत्ता तुम जो देखेगा चले